नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स को एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से प्ले स्टोर का ऑटो अपडेट किस तरह से बंद करें, और सिर्फ उसको बंद करने का ही नहीं, उससे संबंधित उसमें जितनी भी सेटिंग्स है उन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, जिसके बाद आपका डाटा नष्ट होने से बच जाएगा और आप अपने डाटा को अपनी मर्जी अनुसार यूज़ कर पाओगे, ना कि फ़ोन की मर्जी के अनुसार। और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखते रहने के लिए उसके साथ बने रहना जरूरी। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय हम शुरू करते हैं। पहले हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। अब हम अपनी प्रोफाइल इमेज पे हम इधर क्लिक करेंगे। अब इधर से सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे और इधर नेटवर्क रेफरेंसेस, इस पर हम क्लिक करेंगे और इधर से ऑटो अपडेट्स एप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है अपडेट ऑल एप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा, मतलब इसमें आपकी सभी एप्स जैसे ही उनका कोई अपडेट आएगा वो अपने आप अपडेट हो जाएंगी, फिर चाहे आपका मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्ट हो या फिर उसमें आपका जो सिम का डाटा है वो ही क्यों ना यूज़ करना पड़े, जब तक उसमें डाटा है जब तक वो ऐप अपडेट होती रहेंगी। और दूसरा ऑप्शन है ये अपडेट विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोबाइल डाटा, इस पे करने से आपके फ़ोन को चलाने से संबंधित जो ऐप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी वही इसमें सबसे पहले इसमें अपडेट होगी, और ये आपके पूरे डाटा को यूज़ नहीं करेगा, एक लिमिट तक ही आपके डाटा को यूज़ करेगा। और तीसरा ऑप्शन है ये अपडेट ओवर वाईफाई ओनली, इसमें जब भी आपका मोबाइल किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी आपकी सभी ऐप अपने आप अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी, उससे पहले ये अपने आप अपडेट नहीं होगी। और लास्ट का ऑप्शन है ये डोंट ऑटो अपडेट्स एप्स, इसमें करने के बाद आपकी जितनी भी ऐप्स हैं वो अपने आप अपडेट होनी बंद हो जाएगी, उसके बाद आप जब उनको चाहोगे तभी वो अपडेट होगी। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से इसमें चेक करें कि आपकी कौन कौन सी ऐप पे अपडेट आ रखा है और कौन सी आपको अपडेट करनी है। तो हम इसमें अपडेट ओवर वाईफाई ओनली कर देते हैं कि जब भी ये वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी ये सिर्फ अपने आप अपडेट हो। आप चाहे तो डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स भी इसमें कर सकते हैं। तो हम इधर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे और इधर मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस पर हम क्लिक करेंगे और इधर सी रीसेंट अपडेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें अभी हमारी कोई भी इसमें ऐप का अपडेट नहीं आ रखा है, हमारी सारी एप्लीकेशन अप टू डेट है, नहीं तो इसमें वो शो हो जाती। तो ये देख सकते हैं अपडेट्स अवेलेबल, तो इसमें कोई भी ऐप पे अभी हमारी कोई नई अपडेट नहीं आई है, सब इसमें अप टू डेट है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से प्ले स्टोर का ऑटो अपडेट बंद कैसे करें। हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ, जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।